हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। तो यहाँ पर प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है साउथहैम्पटन वर्सेस ब्रेंटफोर्ड के बीच 1 बजे। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये टीम ओपन आएगी, जिसको चाहिए वो जुड़ सकता है, जिसको नहीं जुड़ना वो दफ़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, तो बात करें इस मैच की। साउथहैम्पटन और ब्रेंटफोर्ड दोनों, मतलब ये मैं क्या बोलूँ, मेरे मुँह से गलत निकल जाएगा साउथहैम्पटन के बारे में। मैं चलो थोड़ा कंट्रोल करके बोल रहा हूँ कि बहुत घटिया टीम है, महाघटिया टीम जो होती है ना पूरी लीग की, जिसे अक्कल ना ढंग ना हो भाई पूरे सीज़न में। आज देखा जाए तो 6 से 8 महीने होने को हो गए प्रीमियर लीग को, 20 में से 20वें रैंक पे ये टीम है, और इन्होंने कितने गोल किए हैं पूरे 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 सीज़न में, 2022 से 23 तक आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ 17 गोल। अब भाई 17 गोल तो एक प्लेयर मार देता है पूरे सीज़न में, इनकी पूरी टीम ने 17 गोल किए हैं, क्या उखाड़ेंगे किसका। और ब्रेंटफोर्ड ने कितने गोल किए हैं पता है, 40 गोल, 17-40, ये फ़र्क देखो इन दोनों का। तो इसलिए हर तरफ से ब्रेंटफोर्ड को फेवर करना, भले ही हारो जीतो जो मर्जी हो, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट दो यार, अपनी तरफ से गलती मत करो। भले ही मैं कहता हूँ हार क्यों ना जाओ, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट दो। सबसे पहले बात करें स्ट्राइकिंग की, इवेंटो ने जबरदस्त खिलाड़ी टॉप 5 में प्रीमियर लीग में 2022 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा गोल जो टॉप 5 में कर रहे हैं उसमें इसका नाम भी है, बहुत हैरानगी की बात है, ठीक है। और अगला लेंगे हम प्लेयर मबूमियों को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वाई वीज़ा को मैं नहीं लूँगा, अगर वो खेलता है तो फिर लूँगा, ऐसा नहीं, मतलब अगर मेरे को पता चलता है कि हाँ भाई मबूमो की जगह वीज़ा खेल रहा तो मैं फिर लूँगा। एंड एडम्स की बात करें तो यहाँ पर ची एडम्स को लीजिए, क्योंकि अगर साउथहैम्पटन जीतती है, अगर बाई चांस 1% जीतती है, वैसे 99% तो मैं ब्रेंटफोर्ड के साथ हूँ, 1% अगर जीत जाती है तो उसमें ची एडम्स और जे वार्ड प्रॉस की काफ़ी हेल्प रहेगी। आज अगर जे वार्ड प्रॉस ये टीम छोड़ दे, मान लो अगर आज साउथहैम्पटन को छोड़ दे और किसी बड़ी टीम में चला जाए, तो ये पूरी टीम फिनिश है। और जे वार्ड प्रॉस जिस कंट्री से आप हैरान हो जाओगे, इंग्लैंड से बिलोंग करता है वो प्लेयर, तो इसलिए उसके बारे में तो कहना ही, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँगा ना उतनी कम है, लेकिन इसकी गलती नहीं है। अब एक खिलाड़ी, अब इस टीम में रोनाल्डो आ जाए वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, इस टीम में मेस्सी आ जाए वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप वो देखो ना पूरी टीम अगर बकवास है तो एक प्लेयर बेचारा क्या करेगा उस बीच में, ठीक है। आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्लेयर है एल्कैराज़, तो इसको लो, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कॉन्टिन्यू जैसे यहाँ मैच चल रहे हैं ना, तो उसमें एल्कैराज़ अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। अब ये देखो, ये मैटर नहीं करता, लास्ट मैच के अंदर हमारा कल का एक मैच था, नाम भूल गया हूँ वो मैच का, तो उसके अंदर हमने बहुत बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिया, जीता भी, मैं भी जीता, कई बंदे जीते, 50% लोग जीते, 50% मेरी टीम से हारे थे, मैं सच बता रहा हूँ। उसमें चक्कर क्या था कि एक डिफेंडर को मैंने दिया था, उसके पॉइंट माइनस हो गए थे, किस लिए, ऑन गोल करने के कारण, या ऑन गोल नहीं क्या बोलते उससे, गोल कंसीडेड के कारण। इसलिए हर तरफ से ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि मिडफील्डिंग के जो गोल कंसीडेड के पॉइंट होते हैं वो माइनस नहीं होते। और नॉर्गार्ड की बात करें, आप देखिए नॉर्गार्ड और जैनसन में से एक लेना चाहते हो, देखो मेरी हर तरफ से राय है जैनसन को। अब नॉर्गार्ड है 92%, तो लोग पागल हो जाएंगे देख के कि भाई ये क्या, तो देखो लेना है ले लो, लेकिन बाकियों के चक्कर में मत लेना। अगर आपको कोई मतलब बोल रहा है ना कि मींस लेना ही लेना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो आप पे डिपेंड है, वो हम लोग पे डिपेंड है, क्या पता मैं भी ले लूँ एंड में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको गलत नहीं राह भेजूंगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ समझिए, क्योंकि इन दोनों में से आपको एक प्लेयर लेना है, तो आप एक लेना है तो जैनसन लीजिए, दोनों लेने हैं तो नॉर्गार्ड के साथ जा सकते हैं, बस नॉर्गार्ड क्या है कि थोड़ा सेफ है। आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड के ही वो चलेंगे डिफेंडर, जिसमें से पहला नाम है बीमी, इसलिए क्योंकि पी जैनसन काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहा, ठीक है। और एजियर जो प्लेयर है ये भी नहीं खेल रहा, तो इन्होंने नीचे से काफ़ी अपने प्लेयर्स भेजे। हाँ, ए हिकी बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये पहले इस टीम में नहीं हुआ करता था, पहले ये शायद उसमें था बोलोगना में, तो उधर तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड था इसका। एंड आर हेनरी को ज़रूर ले सकते हो आप यहाँ से, लेकिन हेनरी को तब लेना अगर पिनॉक पर भरोसा ना हो, क्योंकि अगर जिनको पिनॉक पर भरोसा है वो तो हेनरी को छोड़ देंगे, वो क्या है, वो हिकी को भी छोड़ देंगे। अब हिकी का भी देखा तो ब्लॉगना में अच्छा था, वो भी 2021 में, अगर 22 का रिकॉर्ड देखोगे बकवास है, 23 का देखोगे तो अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो इसलिए हिकी की जगह भी अगर आप हेनरी लेते हो, अगर आप एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हो, तो मैं कहूंगा हेनरी के साथ जाओ। एंड आगे से अगर बात करें बेजैनू की, देन यहाँ पे ले बेजोनू, तो एवरेज प्लेयर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके साथ जा सकते हैं। और आगे से अगर बात करें कैप्टन की, देन माय कैप्टन वॉज इवेंटो ने, वाइस कैप्टन लोग बोलेंगे कि बीमी को रखो, पिनॉक को रखो, बट देखो मेरी राय मानो तो मैं तो मबूमो के साथ जाऊँगा, या फिर जे वार्ड प्रॉस भी ठीक है, लेकिन इतना मेरी क्षमता नहीं है इतना फालतू रिस्क लेने की, तो इसलिए मैं मबूमो के साथ ही ठीक हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।